तो गाइस ये है एमवे का नया वेबसाइट। तो इस पर हम आज देखेंगे कि ऑर्डर कैसे करते हैं, ग्रुप ऑर्डर होता है इसमें, स्टैंडिंग ऑर्डर भी आ गया है अभी, और नॉर्मल ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए मैं साइन इन करता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है और मैं पासवर्ड डाल के ऑलरेडी साइन इन करता हूँ। मैं एक ADS पार्टनर हूँ, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। तो ये लॉग इन करने के बाद देख पा रहे हैं आप, यहाँ मेरा नाम आ रहा है राइट। तो यस, तो अभी यहाँ देखेंगे बाय अगेन का ऑप्शन है, कस्टमर्स फेवरेट। तो ठीक है, ये कैलमैक डी है जो बोन्स के लिए अच्छा होता है, तो उसको अगर बाय करना है, फॉर एग्जांपल लेते हैं एक प्रोडक्ट का। तो देखो ये प्रोडक्ट का पेज है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं ऑर्डर करने के लिए। एक तो होता है क्रिएट ग्रुप ऑर्डर, एक होता है क्रिएट स्टैंडिंग ऑर्डर, और नॉर्मल ऑर्डर के लिए आपको जाना है ऐड टू कार्ट में, क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और ऐड टू कार्ट करना है। ओके, तो ग्रुप ऑर्डर में क्या होता है कि हम लोग जब सेलेक्ट करेंगे ग्रुप ऑर्डर, तो आपके आपका नाम यहाँ पे आएगा और आपके जितने भी यहाँ ADS पार्टनर है उसका आप ID डाल के यहाँ डाल सकते हो राइट। आप अगर उसका ADS पार्टनर डालते हो, ADS पार्टनर का ID डालते हो, या फिर PC का भी ID डालते हो, तो उसके लिए भी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। यस, तो ग्रुप में ऑर्डर बहुत लोग प्लेस करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत काम आता है। यस, तो एट द सेम डे सेम टाइम हम लोग ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर सकते हैं राइट। तो मैं ग्रुप ऑर्डर नहीं करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर है क्रिएट स्टैंडिंग ऑर्डर। तो गाइज ये नया चीज़ है, ये एमवे ने इंट्रोड्यूस किया है। स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है देखो क्रिएट न्यू स्टैंडिंग ऑर्डर, कंटिन्यू करना है इसके ऊपर। तो आप देखोगे UI में आप समझ जाओगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। तो देखो ये प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने कार्ट में ऐड किया है राइट, तो स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐड हो रहा है ये। तो इसमें क्या ये पूछेगा डिटेल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर का डिटेल्स, मतलब आपको डालना है फ्यूचर का डेट। ओके, तो इसमें आपको डेट सेलेक्ट करना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर कब का डालना है आपको राइट, मतलब आज ही आप डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में ऑर्डर कब डालना है। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें कैलेंडर दिया है, कैलेंडर में देखोगे आप कुछ डेट्स अवेलेबल है, कुछ डेट अवेलेबल नहीं है राइट। फॉर एग्जांपल 15 जुलाई अगर सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो इसमें यह पूछता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर कितने महीनों के लिए या कब एंड होगा राइट। तो अगर 3 महीने के लिए करते हैं हम या फिर 6 महीने के लिए करते हैं, तो 6 महीने के लिए आपको मंथली ऑर्डर प्लेस करना है कि क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करना है। तो अगर मंथली करूँगा तो हर महीने 15 तारीख को ये ऑर्डर प्लेस होते जाएगा। यस, तो देखिए अगर मैं कंफर्म करता हूँ यहाँ पर, तो देखो डेट तो यहाँ पे आ गया, डिलीवरी एड्रेस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो कोई एक एड्रेस सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो एड्रेस यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आता है कि आई हियर बाय ऑथराइज एमवे टू क्रिएट अ रिकरिंग डेबिट ऑन माई बैंक अकाउंट। ओके, अगर सिलेक्ट करते हो आप यहाँ पर और एक्सेप्ट भी करते हो, तब प्रोसीड का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अवेलेबल। जब प्रोसीड करोगे आप, तो पेमेंट का ऑप्शन आपको आएगा और उसमें ऑटोमेटिक डेबिट होगा आपको 6 महीने के लिए, हर मंथ डेबिट होगा, क्योंकि हम लोग ड्यूरेशन सिलेक्ट किया है 6 मंथ और मंथली। तो मंथली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि ऑर्डर प्लेस करना भूल गया या फिर ऑर्डर प्लेस करना बाकी है, तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस होगा और आपके बैंक से ऑटोमेटिक डेबिट होगा। यस, अगर आपको ऐसा ऑर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ कर सकते हो स्टैंडिंग ऑर्डर के यूज़ करके। यस, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और चलते हैं होम पेज पर फिर से। नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना है, नॉर्मली हम लोग जब कार्ड बनाते हैं तो नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो चलो ऐसे 8 का हम लोग ऑर्डर प्लेस करने का दिखाते हैं। तो देखो ग्रुप ऑर्डर देखा हम लोग ने, स्टैंडिंग ऑर्डर देखा क्या होता है। तो अगर डायरेक्टली हमको सेम डे ही ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपको बस यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी 2 करना है या फिर 1 करना है या फिर ऐड टू कार्ट करना है। यस, ऐड टू कार्ट करके व्यू कार्ट में जाना है। यस, व्यू कार्ट में जाने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किसी ADS पार्टनर या फिर कोई और PC के लिए ऑर्डर प्लेस करना है या फिर खुद के लिए प्लेस करना है। ओके, तो यहाँ दिखा रहा है कि आप इतना पे करोगे, टैक्स कितना है, पूरा दिखा रहा है यहाँ पर, डिस्काउंट हम लोग कितना मिल रहा है राइट, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स अमाउंट दिखा रहा है। यहाँ ऑप्शन है चेकआउट, अगर आपको और भी ऐड करना है तो यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग करना है या फिर होम पेज पर ऐड करना है, ऐड टू कार्ट करना है, और यहाँ पर जब चेकआउट करना है तो चेकआउट पे क्लिक करना है ऐसे, और फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ कौन सा आपको पेमेंट यूज़ करना है, नेम, एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और डिलीवरी पेमेंट मोड। ठीक है, यूज दिस एड्रेस करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो पेमेंट का ऑप्शन, मतलब अगर कोई आपका पुराना पॉइंट्स बाकी है तो वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। यस, तो मोबाइल वैलेट्स, तो ये सब ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। तो अगर UPI भी सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो UPI ID डालना है यहाँ पर, और
फिर यहाँ प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ जाएगा। यस, या QR कोड से भी आप स्कैन कर सकते हो। प्रोसीड टू पे करूँगा मैं तो QR कोड भी दिख जाएगा आपको और पे कर सकते हो आप। तो सेम डे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जितने पास आपके एरिया में एमवे का शॉप अगर होगा तो आपका आराम से सेम डे या फिर एक दो दिन में ऑर्डर मिल जाएगा। यस, राइट। तो ये है एमवे का होम पेज। तो ये है मतलब जैसे हमने देखा कि तीन ऑप्शंस है ऑर्डर प्लेस करने के, क्रिएट ग्रुप ऑर्डर, क्रिएट स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट ऐड टू कार्ट और चेकआउट कर सकते हैं हम लोग। यस, तो हर प्रोडक्ट का सेम पेज, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये तीन नए ऑप्शन हम लोग को देखने मिल रहे हैं नए वेबसाइट के अंदर। तो ये तीन ऑप्शन का यूज़ कैसे और कैसे आप करने वाले हो, कितना अच्छा लगा आपको, आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। यस, तो न्यू लुक के साथ एमवे का वेबसाइट फास्ट हो गया है और सिंपल टू यूज़ हो गया है और स्मूथ हो गया है। यस, तो आगे और भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए न्यू वेबसाइट के अंदर तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर 9773637970। यस, तो गाइस इनकेस आपको एमवे का बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9773637970। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।